हेलो एवरीवन वन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज उसका कंसेप्ट इश्यूज एंड स्ट्रेटजीज क्या हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की तो देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या होता है कि जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हो ठीक है किसी बिजनेस में काम कर रहे हो आप कहीं जैसे एज अ टीचर आप स्कूल में काम कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं कुछ मॉडिफ़िकेशन होती है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं मे बी रूल्स में, में चेंजेस आए मे भी जो आपके साथ आपके इंप्लाइज काम कर रहे हो उनमें चेंजेस आए मे बी टेक्नोलॉजी नहीं आए और आपको चलानी नहीं आती तो मतलब क्या है कि जब ये चीज़ें चेंज हो जाएँ कहीं भी कहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे कुछ चेंजेस आए मतलब मॉडिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोसेस या गुड्स कोई भी चेंजेस आए तो उसको हम क्या बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कि वो वर्क प्लेस जहाँ पर आप काम करते हो ठीक है जी तो वहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज चेंज हो गई आपका बॉस चेंज हो गया तो उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस चेंजेस के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा तो वो चेंजेस क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ गया है तो वो चेंज क्या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन चेंज कैन बी वो चेंज किन किन चीजों में हो सकता है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो सकता है मे बी वर्क फोर्स में चेंजेस आए मे बी वर्किंग आवर्स में टाइमिंग चेंज कर दे हो ठीक है इन द वे रोल्स आर कैरिड आउट मदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाए टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आए मे बी चेंज इन द स्ट्रैटेजीज ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है हमें पता है चेंजेस तो होते ही रहते हैं जहाँ पे आप काम करते हो चाहे आप स्कूल में पढ़ाते हो चाहे आप कहीं जॉब करते हो चाहे बैंक में जॉब करते हो कहीं पे भी है कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं क्योंकि डे बाय डे पॉलिसीज चेंज हो रही हैं लॉज चेंज हो रहे हैं गवर्नमेंट चेंज हो रही है हर पाँच साल बाद कुछ ना कुछ नया चेंज आता ही आता है ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन में भी उस अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ते हैं जनरेट स्ट्रेस अमंग द पर्सोनल पर इससे क्या होगा जो इंप्लाइज काम करते हैं उन पर थोड़ा स्ट्रेस आ जाएगा एकदम से जब कोई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती है ठीक है देन फैक्टर्स नेसेसिटाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज कौन से फैक्टर्स हैं जिन वजह से ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज करना पड़ता है पहला है एक्सटर्नल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाता है पहले तो टेक्नोलॉजी तो देखिए जी पहले इतना टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था ठीक है बट अभी क्या है टेक्नोलॉजी के बिना कोई काम नहीं होता तो ये क्या है एक चेंज ही आया पहले जिनको नहीं चलानी आती थी उनको भी सीखना पड़ा तो वो ऑर्गेनाइजेशन में अभी हर चीज़ क्या है कंप्यूटराइज होती है हर चीज़ राइट right? प्रिंटेड होती है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आया तभी तो टेक्नोलॉजी आई टेक्नोलॉजी आई तभी तो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आया ठीक है जैसे मशीनरी कंप्यूटर एक्सेट्रा ठीक है देन मार्केटिंग कंडीशन अभी देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया मार्केट में तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ऊपर लेके जाना है ताकि आप आपका ऑर्गेनाइजेशन सबसे ऊपर हो ठीक है उसका ज़्यादा नाम हो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जैसे ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो वैसे ही पता नहीं कितने ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज चाहिए देन सोशल चेंजेस एजुकेशन हाई स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए वर्किंग आवर्स नीड्स बच्चों की कुछ और है सोसाइटी की डिमांड्स कुछ और है तो उसकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज चाहिए करिकुलम में चेंज आना चाहिए पॉलिटिकल और लीगल चेंजेस तो आपको पता ही है गवर्नमेंट चेंज होती रहती है लॉज चेंज होते रहते हैं उन वजह से ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज आते हैं मोस्टली सरकारी नौकरी वालों को ये दिक्कत आती है एज यू ऑल नो ठीक है रोज़ सरकार नया कोई ना कोई नोटिस जारी कर देती है और फिर जो इम्प्लॉयज़ होते हैं उनको दिक्कत आती है कि अभी हमें यह चेंज करना पड़ेगा एकदम से तो वो क्या हो जाता है एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाता है फिर इंटरनल फैक्टर क्या होता है चेंज इन मैनेजरल परसोनल मतलब कहीं की प्रमोशन हो जाती है कहीं का ट्रांसफ़र हो जाता है तो ये भी क्या है कि इंटरनल फैक्टर है कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आना ज़रूरी है ठीक है आई होप दिस इज़ क्लियर अब मेन आते हैं जो है हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया अब आते इश्यूज पर अब ऑर्गेनाइजेशन चेंज तो हम कर दें ठीक है उन उसमें चेंजेस ले आए रूल्स वगैरह चेंज कर दें बट उससे ना तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी पहले तो इश्यूज मैं बाद में डिस्कस करती हूँ पहले आपको बता देती हूँ जैसे देखिए आपके घर में कोई भी मतलब कोई नई चीज़ आई ठीक है कई तो होते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि नहीं ये अच्छी नहीं है मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि नहीं ये सही नहीं है एक होते हैं वाले ठीक है रेजिस्टेंस वाले होते हैं वो कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं है ये अच्छी चीज़ नहीं है बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया ये चेंज होना ही नहीं चाहिए राइट फिर इनडिफरेंस वाले जो कहते हैं चल ठीक है ना ही पॉजिटिव में वे में बोलते हैं ना ही नेगेटिव में एक होते हैं एक्सेप्टेंस कि चेंज हुआ कोई नहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं ठीक है तो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं देखने को मिलेंगी ठीक है बट जो मेन इश्यूज आते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज में वो क्या आते हैं चेंजेस तो लेके आना चाहते हो आप ठीक है आप क्या हो मैनेजर हो वहाँ के आप चाहते हो चेंजेस आए बट चेंजेस नहीं आ रहे क्या इशूज़ हो रहे है पहले कम्युनिकेशन ईशूज़ कई बार क्या होता है कि कम्युनिकेशन इशू सबसे बड़ा इशू है जब इम्प्लॉयमेंट में ही खुद में कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होंगी ठीक है ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी हर चीज़ में हर चीज़ छुपा छुपा के आपको करनी पड़े अपने ऑफिस में भी ठीक है मतलब कई बार क्लियरली हम नहीं बोलते एज अ मैनेजर अपने इम्प्लॉयज़ को जाके कोई हमारे में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ठीक है जी थी? हम बस अपना क्या है चीज़ थोप देते हैं अपने एम्प्लॉयर्स पर बट हम ये नहीं कहते कि हमने क्यों करना है या हम उनसे फ़ीडबैक नहीं लेते टाइम टू टाइम हम कम्युनिकेट नहीं करते कि हमारे गोल्स क्या है वो भी क्लियर नहीं

प्लस इनोवेशन तो होगी ही नहीं जब लीडरशिप ही अच्छा नहीं होगा लीडर ही अच्छा नहीं होगा हमारा हमें कौन दिशा दिखाएगा कौन बताएगा कोई नहीं बता रहा ठीक है तो वहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज में इश्यूज आ जाता है कि चेंज कैसे होगा जब लीडरशिप ही नहीं है प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है कलेबोरेशन नहीं है कोलेबोरेट नहीं कर रहे हर एक किसी को पता है कि हाँ अपना लगा हुआ है को नहीं है कोई अपना डिसीजन दे रहा है कोई अपना डिसीजन दे रहा है मतलब क्या है टीम वर्क नहीं है जिसे कहते हैं हम ठीक है तो इससे क्या होता है लो प्रोडक्टिविटी एंड इनफिशेंसी आ जाती है काम में ठीक है देन लैक ऑफ इनोवेशन इनोवेशन नहीं है इंकरेजमेंट नहीं है लीडर आपको इंकरेज नहीं कर रहा ठीक है आपका क्या, क्या है जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस तक नहीं पहुंच रहा ठीक है क्योंकि आप में कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं है क्योंकि न्यू चीज़ आ ही नहीं रही है सभी पुरानी चला रहे हो आप तो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की ज़रूरत आएगी इसमें ठीक है लैक ऑफ क्लैरिटी गोल्स ही क्लियर नहीं है कि क्यों कर रहे हो ठीक है तो क्या चेंज आएगा ये जो तो इशू हो गया ना एक लैक ऑफ मोटिवेशन इम्प्लॉयज़ आर नॉट एट ऑल मोटिवेटेड एंड विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉय टू चेंज विलिंगनेस होना भी ज़रूरी है एम्प्लॉय ही तैयार नहीं है उस चेंज के लिए तो हम एज अ मैनेजर कितना सेटल करेंगे राइट तो वो चीज़ें हैं अब कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे हम चेंज लेके आ सकते हैं इश्यूज तो हमने पढ़ लिए ठीक है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है क्लैरिटी नहीं है देखिए जी लीडरशिप नहीं है तो विलिंगनेस नहीं है बट अब कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जो हम यूज़ कर सकते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आना है तो देखिए जी प्लस पॉइंट मैं आपको बताती हूँ अगर आपको डिफ़िकल्ट लगे ये आठ स्टेप्स तो आप सीधा सा क्या करोगे कि जैसे हमने इश्यूज़ किए हैं ना इशूज़ हमने लैक लैक लिखा है ना आगे सब के आगे तो बस अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो इसका उल्टा कर देना कि कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए लीडरशिप प्रॉपर होनी चाहिए ठीक है जी कोलेबोरेशन प्रॉपर होना चाहिए मतलब उसका उल्टा कर देना ठीक है इश्यूज का ही उल्टा अगर आप चाहो तो ये एट स्टेप्स लिख सकते हो ये आपकी मर्जी है ठीक है तो लेट्स स्टार्ट कौन सी स्ट्रैटेजीज़ आप यूज़ कर सकते हो पुट पीपल फर्स्ट जो आपका कस्टमर है उसको आगे रखो सबसे टू वे कम्युनिकेशन एक्टिव लीडरशिप तो वही मतलब वही चीज़ें क्या है लिखनी है ठीक है वो आप कंटिन्यू करोगे आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो आपके पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे अगर या तो सिंपल आपने एक आंसर को एक बड़े उसमें लिखना है तो सिंपल लिख दो फॉलो द एट स्टेप्स तो वो कौन से एट स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आना है पहले आइडेंटिफाई द चेंज सबसे पहले तो देख लो कि जो चेंज है वो चाहिए किस चीज़ में ऑर्गेनाइजेशन के किस मतलब स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है रूल्स में चेंज है ठीक है टेक्नोलॉजी में चेंज है तो आप ये चीज़ें देखोगे पहले फिर डेवलप अ प्लान फिर उस अकॉर्डिंग आप प्लान बनाओगे कि कितने इम्प्लॉयज़ चाहिए कितने इम्प्लॉयज़ का आपको सपोर्ट चाहिए ठीक है फिर आप उस अकॉर्डिंग मतलब एक अगर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर पे काम करना है तो कितने लोग चाहिए कितने कंप्यूटर्स चाहिए तो आप ये प्लान बना लोगे राइट कम्युनिकेट द चेंज टू द इम्प्लॉयज़ अपने इम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत करो उस चीज़ के बारे में कम्युनिकेशन करो प्रॉपर ठीक है फिर फोर्थ प्रोवाइड द रीज़न फॉर द चेंज अपने इम्प्लॉयज़ को बताओ कि क्यों चेंज आपको चाहिए क्यों आपको कंप्यूटर्स चाहिए क्यों आपको वो एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनको कंप्यूटर पे काम करना आता है ठीक है बिकॉज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आपको क्या है ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आना है जिस वजह से आपको ये करना पड़ेगा फिर वो जो एम्प्लॉय जो समझ जाएगा उस चीज़ को वो तो ईजिली क्या एक्सेप्ट कर लेगा इस चेंज को ठीक है देन फिफ्थ पॉइंट सीक की इम्प्लॉयज़ फीडबैक फिर फीडबैक लो अपना अपना आपने पख रख दिया कि हाँ जी ये था इस वजह से हमें चेंज चाहिए तो आप उनका भी फीडबैक लो ताकि उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो फुल्ली क्लियर हो जाए ठीक है फिर लॉन्च द चेंज फाइनली क्या करो जितने भी जो आपको इक्विपमेंट्स चाहिए टेबल चाहिए चेयर्स चाहिए कंप्यूटर सेटअप करने के लिए सारा कुछ वो चेंज कर दो फिर मॉनिटर द चेंज उस चेंज को क्या करो थोड़े दिन तक आप मतलब देखो अच्छे से मॉनिटर करो कि क्या टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रही है आप उसको एनालाइज करो अच्छे से मॉनिटर करो वीकली बेसिस पे चेक करने आओ ठीक है देन इवेल्यूएट द चेंज एंड में देखो कि जो चेंजेस आए हैं क्या वो अच्छे के लिए हैं क्या आप वो गोल अचीव कर पा रहे हो तो ये चीज़ें क्या है ध्यान में रखनी है इससे आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आ सकते हो ठीक है अगर आप चाहो तो ये एट स्टेप्स भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो वही इश्यूज़ का उल्टा करके लिख दो दैट्स अप टू यू ठीक है ये आंसर हर तरह से बन जाएगा आपका एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू वेरी मच